हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट रवा ढोकला बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। इसे आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएंगे, बहुत ही मजा आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये ढोकला की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इंस्टेंट रवा ढोकला बनाना शुरू करते हैं। रवा ढोकला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है रवा। ये बारीक वाला रवा हमने लिया है। 300 ग्राम रवा लिया है, 200 ग्राम दही, कुकिंग ऑयल, अदरक मिर्च का पेस्ट बना लिया है हमने, एक चम्मच शक्कर, एक चम्मच नमक, तिल, राई, तीन हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है, एक पैकेट हमने नॉर्मल यूनो लिया है और कुछ करी लीव्स लिए हैं। तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें रवा को ट्रांसफर कर देंगे और साथ में हम दही डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट डालेंगे और अगर दही खट्टी है तो हम शक्कर की मात्रा बढ़ाएंगे। ये दही मीठी है तो हम एक चम्मच शक्कर यूज कर रहे हैं, एक चम्मच नमक। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। रवा अपना भी ड्राई है तो हम पानी यूज करेंगे। जिस कटोरी से हमने दही लिया था उसी से हम मेजर करके एक कटोरी पानी लिए हैं, तो हम इसमें पानी को डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। तो हमने ढक के इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे तो रवा अपनी फूल चुकी है, लेकिन ये बहुत ही ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए ढोकले के बेटर का, यानी कि आप इडली बनाते हैं जैसी इडली बनती है वैसे ही हमें ढोकले का घोल तैयार करना है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पर हमने 1 लीटर पानी रख दिया है उबलने के लिए इडली मेकर में। हम गैस को ऑन कर देंगे और बेटर में हम इनो मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैकेट इनो लिए हैं, अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, इसमें जो एयर तैयार होता है इसी में बरकरार रहता है। तो आप ध्यान से देखिए अपना वेटर कैसे फूल रहा है। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसे हम तेल से ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा कि ढोकला अपना अंदर तक चिपकेगा नहीं। तो इसे हमने ग्रीस कर लिया है। इसी में हम बेटर को मिक्स करते हुए और डाल देंगे। इनो डालने के बाद हमें रुकना नहीं है, बहुत जल्दी ट्रे में इसे ट्रांसफर कर देना है और इसे हम 1 से 2 बार ऐसे पैक कर लेंगे जिससे बराबर चारों तरफ ढोकला का वेटर फैल जाए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो पानी अपना गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ट्रे को शिफ्ट कर देंगे। आपके पास ढोकला मेकर नहीं है तो इसे कढ़ाही में भी पानी गर्म करके ट्रे रख सकते हैं। अब हम इसे कवर करके तेज फ्लेम पे इसे 20 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे।
20 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढोकला को चेक करेंगे। तो हाथ में हम या तो एक कॉटन कपड़ा लेंगे या ऐसे ग्लोव्स पहन लेंगे, क्योंकि अपना ढक्कन बहुत गर्म होता है। हम ढक्कन को हटाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपना ढोकला फूल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ढोकला चेक करेंगे। तो हम एक नाइफ को तेल में ऐसे डुबा लेंगे और इसे गोद के चेक करेंगे। तो देखिए, अपना नाइफ एकदम चिकना चिकना आ रहा है, यानी कि अपना ढोकला पक चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा कच्चा है तो फिर कवर करके इसे 5 मिनट और स्टीम कर लीजिए। तो हमने गैस ऑफ कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। अब हम एक पकड़ के सहारे ट्रे को निकाल लेंगे। तो ऐसे हम निकाल लेंगे और साथ में हम एक दूसरा प्लेट लेंगे। उस प्लेट पे हम ढोकले को ऐसे कवर करते हुए उलट लेंगे। ये बड़ा ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हम इसे तेल से ग्रीस किए रहते हैं। तो ऐसे हम ढक्कन को निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखिए, कितना बढ़िया जालीदार ढोकला तैयार हुआ है। इसे बनाने में हमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगा और बड़ा ही जालीदार तैयार हुआ है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो गैस पे हमने एक तड़का पैन रखा है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे और साथ में हम तिल भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। मस्टर्ड और तिल जो है वो चटक चुका है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। तो हम तड़के को हटा के फिर मिर्च डालेंगे, नहीं तो मिर्च बहुत उड़ता है। और साथ में हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ढोकले का तड़का हमने तैयार कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम ढोकला की तरफ चलेंगे। तो ढोकले पे हम चम्मच के सहारे तेल डालेंगे, नहीं तो तड़के के पेन से डालेंगे तो एक ही जगह पे अपना तेल गिरेगा। तो ऐसे हम चम्मच से निकालेंगे और तड़के पे थोड़ा थोड़ा तेल फैलाएंगे। इससे क्या होता है, चारों तरफ बराबर मात्रा में तड़का का तेल फैलता है। तो हमने चारों तरफ ढोकले पे तड़के का तेल डाल दिया है। अब हम ढोकला को अपने मनपसंद शेप में काटेंगे। तो हम एक तेज नाइफ लेंगे और इसे काटना शुरू करेंगे। ये बड़ा ही स्पंजी ढोकला तैयार हुआ है। तो आपको बड़ा पीस चाहिए तो बड़ा बड़ा काटिए, मीडियम चाहिए मीडियम, यानी कि आप अपने मनपसंद शेप में काट लीजिए। ढोकला को हमने चौकोर शेप में काट लिया है। तो आप ध्यान से देखिए, कितना बढ़िया स्पंजी ढोकला तैयार हुआ है। हम इसे दबा के छोड़ रहे हैं तो कितना उठ के आ रहा है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इंस्टेंट रवा ढोकला बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।